सच साहस सरोकार। मां को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी, कहा जन्मदिन पर उनके पास नहीं जा सका लेकिन लाखों माताएं दे रही आशीर्वाद। पीएम ने कूनों में छोड़े चीते और फोटो भी खींचे, चीतों ने नई जगह सहमते हुए रखे कदम। हैदराबाद में अमित शाह की सुरक्षा में हुई चूक, गृह मंत्री के काफिले के आगे टीआरएस नेता ने लगाई कार। तेजस्वी यादव को जाना पड़ सकता है जेल, सीबीआई की अर्जी पर स्पेशल जज ने दिया नोटिस। भारत जोड़ो यात्रा के 10वें दिन आलाचप्पा जिले पहुंची पद यात्रा, राहुल गांधी युवाओं से करेंगे मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। देश भर में धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते मथुरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आयोजित भारतीय उद्योग व्यापार मंडल विराट समागम में भाग लिया। तो वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीतापुर में जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़े स्तर पर रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं अयोध्या में जल शक्ति मंत्री ने पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर जनपद का दौरा कर कई कार्यक्रम में शिरकत की। लखनऊ में पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर लोहिया अस्पताल प्रशासन की तरफ से बगैर किसी डोनर के ब्लड की आवश्यकता पड़ने वाली मरीजों को प्रबंधन की तरफ से ब्लड मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि लोहिया संस्थान के ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर वीके शर्मा ने बताया कि मरीजों या तीरमारदार को उनके ब्लड ग्रुप के अनुसार ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही ये कैंप का आयोजन 3 जगहों पर किया जाएगा। इस मौके पर प्राइम टीवी ने ब्लड बैंक इंचार्ज से लेकर डोनेट करने आए लोगों से बातचीत की। आज के दिन बहुत बृहद कैंप का, 3 बृहद कैंप का आयोजन लोहिया संस्थान विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर कर रहा है। एक ब्लड बैंक में ही जो भाजपा महानगर के द्वारा किया जा रहा है, एक जिला महानगर की तरफ जिला भाजपा की तरफ से मोहनलाल सीएससी पे कैंप हो रहा है और एक सहारागंज के पास जेब्रोनिक्स के ऑफिस में तीसरा कैंप हो रहा है। आज के दिन हम लोगों ने सभी मरीजों के लिए बिना डोनर के ही ब्लड उपलब्ध करा रहे हैं, जो संस्थान की तरफ से राष्ट्र मरीजों और प्रदेश के लिए अपनी कर्तव्यनिष्ठा के तहत हम लोग ये जनहित में कार्य कर रहे हैं सभी मरीजों के लिए, कोई भी मरीज है। जबकि हमारे यहाँ सभी जेएसवाई मतलब कि जो प्रेगनेंसी की जो भी लेडीज आती हैं उनको वो 1 जनवरी से पूरी तरह से बिना डोनर लिए ही ब्लड दिया जाता है। आज सभी मरीजों को ब्लड अगर उपलब्ध है ब्लड बैंक में तो दिया जा रहा है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया संस्थान में आज ब्लड डोनेशन का शिविर रखा गया है और आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। भाजपा के तमाम जो मोर्चा है यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्य भी करवा रहे हैं। इस वक्त हम ब्लड डोनेशन कैंप में हैं सलोई अस्पताल के ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, लगातार ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लगातार अभी देखा जो यहाँ के इंचार्ज हैं वीके शर्मा, उनसे भी बात करी और लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप है और इनसे ही बात करते हैं, डोनर से इनसे एक बार बात करेंगे। ये बताइए सर, क्या शुभ नाम है? नवीन सिंह डोलिया। ये बताइए, ये ब्लड डोनेशन पहली बार हो रहा है कि? नहीं नहीं सर, 22वीं बार है जी। किस तरह से महसूस करते हैं एक ब्लड डोनेशन? बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा लगता है सर, ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लगता है, नई सेल्स बनती हैं बॉडी में और सबको करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि बहुत अच्छा लगता है और 22वीं बार ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, ये भी युवा कार्यकर्ता हैं, भाजपा से भी जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए क्या शुभ नाम है आपका? कृष्ण प्रताप सिंह। किस तरह से लग रहा है कि आपको ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है? भैया ये एक ऐसी जरूरत है जो समाज के लिए, जीवन के लिए अमूल्य है, क्योंकि हमारे विज्ञान ने सब कुछ जनरेट कर लिया है पर अभी तक ब्लड नहीं जनरेट कर पाए हैं। उसके लिए एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है और ह्यूमन बॉडी स्वेच्छा से ही कहता है ब्लड डोनेशन करती है। ये उस व्यक्ति के दर्द पूछ सकते हैं जिसके घर में कोई डोनेटर नहीं होता है और वह जगह जगह केवल इसलिए चक्कर लगाता है और लोगों से सिफारिश करता है कि कोई इसको डोनर मिल जाए। कहाँ आपने दिया ब्लड? जी मैंने भी ब्लड दे चुका हूँ।
आज मैं ब्लड नहीं दे पाया क्योंकि मेरा थायराइड बढ़ा हुआ था, इसलिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप रुक जाए थोड़ा सा। क्या शुभ नाम है भैया आपका? जी अविनाश यादव नाम है मेरा। क्या ब्लड डोनेशन आपने भी किया है? जी मैंने ब्लड डोनेट किया है। किस तरह से महसूस होता है ब्लड डोनेट करके? सही बताएं तो मुझे लगता है जैसे एक उत्साह आता है अंदर से और लगता है कि एक पर्व मना रहे हैं। आज मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा लखनऊ महानगर ने तय किया था कि हम 5 से 6 जगहों पर कैंप लगा करके ब्लड डोनेशन का कार्य कर रहे हैं और सेवा पखवाड़ा जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, उसी के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा को ये कार्यक्रम दिया गया था कि विभिन्न विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पर कैंप लगेगा जिसमें ब्लड डोनेट करना है। हमारा लक्ष्य 200+ एक विधानसभा से यहाँ से है और जिसमें हमारे पास ठीक ठाक टारगेट हम प्राप्त कर चुके हैं और उसी के अंतर्गत। और दूसरी बात, मैं सभी से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं सभी से अपील करूंगा जिन्हें भी रक्तदान देने में तकलीफ हो रही, उनको लगता है कि मुझे वो सोचते हैं घबराते हैं, मैं उनसे कहता हूं इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यदि आपके रक्तदान देने से किसी की भलाई हो सके तो ज़रूर दें। आप इसी अपील को मैं आप फिर से दोहराऊंगा आप लोगों को कि आप देंगे नहीं अगर ब्लड तो किसी को आवश्यकता होगी तो कैसे मिलेगा। हम सभी अगर यही सोचेंगे तो किसी को ब्लड नहीं मिल पाएगा, इसलिए बहुत अच्छी बात है। ये युवा थे, इन्होंने बहुत ही बेहतर एक संदेश भी दिया। एक मैम भी है हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम ये बताइए कि आपने भी ब्लड डोनेट किया? जी सर मैंने भी ब्लड डोनेट किया है। किस तरह से आप महसूस करती हैं क्योंकि बहुत बेहतर कार्य होता है? जी आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम लोगों में इतना उत्साह है, उत्साह और ब्लड डोनेट करने के लिए हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही सारा युवा यहाँ इकट्ठा हुआ है। तो जैसे कि मुझे लग रहा है कि जो एक ऊर्जा के साथ यहाँ लोग रक्तदान करने आए हैं, तो हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं और मुझे तो लगता है ये विश्व के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला लिया और हम सब उनसे जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोग ऑब्लाइज हैं और उनके जन्मदिन पर उनके बताए हुए सेवा पखवाड़े में अपना एक हिस्सेदारी देके और उनके प्रति थैंकफुल हो रहे हैं। कितनी बार आप दे चुके हैं ब्लड? सर मैंने 2 बार दिया है। हाँ, और ये सच में लगता है कि ये बहुत पवित्र काम है। जब किसी को आवश्यकता पड़े तो वो ब्लड आपका किसी अनजान व्यक्ति के आप काम आए, ये एक बहुत ही बड़ी विचारधारा है और जिसको समय समय पर लगातार करते रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखा कि जैसे कि मैम ने कहा कि ब्लड डोनेशन बहुत ही जरूरी चीज है और सभी के लिए होती है। एक भाई है यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए, क्या ये पहली बार है? नहीं, करता रहता हूँ, ये मेरा आई थिंक सो 5th टाइम है। इससे पहले भी लास्ट टाइम भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर KGMC में ब्लड डोनेट करा था युवा मोर्चा के तत्वाधान में और हमारे यशस्वी अध्यक्ष लखनऊ महानगर के माननीय प्रताप सिंह जी के निर्देशानुसार और हमारे विधानसभा प्रभारी श्री अविनाश यादव जी, सह प्रभारी सचिन मिश्रा जी, तो इन सभी के प्रोत्साहन के बाद और हमारे बड़े भाइयों ने, जो युवा मोर्चा ने पूरा विधानसभा में कार्य हो रहे हैं उसके तत्वाधान में हम लोग जो भी टारगेट है उसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। और क्या कुछ युवा हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे क्योंकि बहुत से लोग अमूमन जो है ब्लड देने से डरते भी हैं और थोड़ा सा उन्हें एक हिचक भी होती है, क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? हमारा कहना है ब्लड देने से पहली बात एक तो अपना स्वास्थ्य उत्तम होता है और हम किसी के परिवार में शायद जो ब्लड के लिए कोई भी सुविधा ना हो तो उसकी मदद कर सकते हैं और ये एक बहुत ही नेक कार्य है और इसमें हम सभी युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और देश के जितने भी युवा हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा रक्तदान अवश्य करें, रक्तदान से बड़ा कोई महादान नहीं है। चलिए जैसा कि आपने सुना कि ये युवा थे और इनका साफ साफ कहना था कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो अभी ब्लड दे के ही यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये महसूस करते हैं इतना बड़ा कार्य करके। भैया क्या शुभ नाम है आपका? विनोद कुमार यादव। क्या लगता है किस तरह से महसूस होता है इतना अच्छा कार्य कर? देखिए आज मोदी जी का जन्मदिन है, विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता मोदी जी का जन्मदिन है और आज रक्तदान के साथ सेवा पखवाड़े की शुरुआत हो गई है तो इस समय हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक और भाई है, थोड़ा सा आराम करने लग रहा है, बहुत थक गए आप। मैं क्या लगता है कि किस तरह से महसूस? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम सभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में रक्तदान कैंप का आयोजन जो लगा हुआ था उसमें हम सब लोग रक्तदान भविष्य में भी करते रहेंगे? भविष्य में रोजाना, भविष्य में लगभग हर
हर छठे महीना या सातवें महीना हम सब लोग रक्तदान करते हैं। लगभग हमारा आठवीं बार रक्तदान मैंने किया है। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप ने देखा कि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, और जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे भी लगातार बात हम करते आ रहे हैं। एक और युवा है, इनसे ही बात करेंगे। बताइए, क्या पहली बार है आपका? नहीं, पहले भी दिया मैंने, ब्लड डोनेट किया। क्या लगता है, किस तरह से महसूस, अच्छा फील करते हैं? अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करके, कि किसी की भी हम लोग लाइफ को थोड़ा सा अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करके। अच्छा कार्य है, सबको करना चाहिए, तो करते रहें सब लोग ब्लड डोनेट। अच्छा काम है, जिससे लोगों को मदद रहती, कुछ लोगों को कमी हो जाती तो उनकी लाइफ को एक नया वो रुख मिल जाता है। ब्लड कमी से काफ़ी लोगों की जाने जाती हैं, इससे ये रहता है कि लोगों को नई जिंदगी का एक आगे का और उद्देश्य भी मिलता है। अगर ब्लड की कमी से काफ़ी बहुत सारी होती हैं, इसीलिए ब्लड डोनेट। ठीक है, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। एक और भाई साहब हैं, चाचा हैं, पहली बार तो आपका होगा नहीं, कई बार आप दे चुके होंगे, किस तरह से लगता है आपको, क्या फील होता है? बहुत अच्छा होता है फील। और ये जैसे मोदी जी का जन्मदिन है, तो मोदी जी ने जैसे कहा है कि सेवा भाव, तो सेवा भाव से हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और ये करना चाहिए ब्लड डोनेट। ब्लड डोनेट 24 घंटे में फिर उतना ही खून बन जाता है। लोग डरते हैं ब्लड देने से, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम ब्लड तो उनको मिल जाएगा, उसकी जिंदगी तो बच जाएगी। इसलिए मोदी जी ने अच्छा कार्य करे। किस लिए दे रहे हैं ब्लड आज आपने, किस लिए दिया? सेवा भाव है, मतलब कोई मेरा भाई अगर एक्सीडेंट में हुआ, वो हुआ, दिक्कत है उसको, तो मेरा ब्लड उसको काम आ जाए, उसके लिए। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बात करी, जो ब्लड जिन्होंने डोनेट किया और जो डोनेट कर रहे हैं उनसे भी बात करी, और साफ साफ सभी का एक मकसद था, ये जो सेवा भाव की जो नीति होती है वो सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि एक रक्तदान बहुत बड़ा दान माना जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता, देश के प्रधानमंत्री और करोड़ों लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हर जगह लोग बहुत धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं, और वहीं गोरखपुर के शास्त्री चौराहे पर पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं में जोश दिखा। आपको बता दें कि पीएम के जन्मदिन पर नेताओं ने ढोल नगाड़ों पर जन्मदिन मनाया गया। पीएम के शक्ल में केक काटकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया और पीएम मोदी को बधाई दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने गरीबों में फल वितरित किया। हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हर मोर्चे पे सफल होते हुए आगे की निरंतर तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आज उनके जन्मदिन पे हम खुशी में केक काट रहे हैं और गरीबों को फल वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर बिजनौर जिला संयुक्त चिकित्सालय में भाजपा युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन डीएम, एसपी और भाजपा पदाधिकारियों ने फीता काटकर किया। वहीं इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। 300 यूनिट रक्तदान करने का शिविर में लक्ष्य रखा गया है। वहीं रक्तदान करने वाले हर एक डोनेटर को एक भी भेंट किया जाएगा। देश के बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी माननीय प्रधानमंत्री, जो पूरे विश्व में आज पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिवस है। उस जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि आज ब्लड डोनेशन करेंगे, और सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और हम खून, ये ब्लड इसलिए ले रहे हैं कि जिससे समाज के काम आ सके, ऐसे वर्ग के काम आ सके जिनको ब्लड में परेशानी होती है। और हम सब लोगों ने तय किया है कि यहाँ आज हम 300 यूनिट ब्लड दान करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लहूरीबाग में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर शुरुआत की। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र अध्यक्ष ने रक्तदान कर प्राइम टीवी संवाददाता आफ्ताब आलम से खास बातचीत की, और उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा आज से शुरू हो गया है और यह 2 अक्टूबर तक चलेगा। पूरे देश भर में लगभग अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे जो आम लोगों से जुड़े होंगे। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, और देश सुरक्षित भविष्य उन पे हमारा लगता है कि हमारा देश का जो भविष्य है, जो युवाओं का भविष्य है, उनके माध्यम सुरक्षित है।
और उनको मार्गदर्शक मानते हुए हम लोग अपना ब्लड डोनेट युवा मोर्चा के माध्यम से उनको समर्पित करते हैं और देश का ही नहीं हमारा भी भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित है, इसलिए हम उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। काशी के सांसद और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 72वें जन्मदिन के अवसर पर ये 2 हफ्ते का जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसका आज एक प्रथम दिन है जिसपे ये रक्तदान करके बृहद रक्तदान शिविर लगा के सभी 8 विधानसभा में रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत लोग ब्लड दे रहे हैं। इसमें युवा मोर्चा के लोग और पार्टी के सदस्य लोग सभी लोग भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और हमारे सांसद उनका जन्मदिन है और उनका एक आह्वान था कि गरीब लोगों के जो रक्त के बिना ब्लड डोनेट ब्लड के बिना उनकी मृत्यु होती है, उसके लिए आप लोग आह्वान करके हम लोगों को आपको कहते हैं कि ऐसे गरीब व्यक्तियों के जान बचाने के लिए आप लोग रक्तदान थोड़ा बहुत अपने शरीर का रक्तदान करेंगे वो एक महादान होता है। सबसे पहले मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर बनारस के सांसद को जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद दूंगा बनारसवासियों की तरफ से। जो बनारस की जो गंगा जमनी तहजीब है और जो बनारस के सांसद ने जो हम लोग को संदेश दिया, जो प्रेरणा दी है, उन्होंने यही बताया है कि या मेरा जन्मदिन हो या किसी का भी कोई भी उत्सव हो तो समाज के निचले स्तर पर जाकर कीजिए। तो आज हम लोग आए हुए हैं जो कि समाज को ब्लड की बहुत आवश्यकता है। हर कोई जो एक्सीडेंट हो जाता है, जब औरतें प्रसव करती हैं उस समय आवश्यकता होती है, तो ब्लड जो दान होता है वो महादान होता है। बनारस के सांसद देश के प्रधानमंत्री आज अपना 72वां जन्मदिवस मना रहे हैं। पूरा देश उनका 72वां जन्मदिवस मना रहा है। इस वक्त हम बनारस में हैं। बनारस में काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेंद्र सिंह श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह का उत्सव और किस तरह की खुशियां लोग मना रहे हैं। अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, वाराणसी की जनता के दिल में बसने वाले सांसद, विश्व के सर्वमान्य नेता का जन्मदिवस है। ऐसे जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी बहुत उल्लास से मोदी जी का जन्मदिवस मना रही है। आज उसके जन्मदिवस के अवसर पर एक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया है। उस सेवा पखवाड़े के प्रथम दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन मिलकर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखे हुए हैं। मोदी जी का भाव है कि समाज के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, समाज का जो ऋण है उससे हमें छुटता करना चाहिए। तो रक्तदान महादान के तर्ज पर आज पूरे कार्यकर्ता पूरे देश में रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और कहाँ का मनाया जा रहा है? पूरे बनारस में एक उत्साह का माहौल है। लोग बनारस के लोग मोदी जी के प्रति इतने श्रद्धावान हैं क्योंकि कभी 5,000 वर्ष पुरानी शहर कभी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत समृद्ध मानी जाती थी, आज ये भौतिक दृष्टि से विकास की दृष्टि से समृद्ध काशी मानी जाती है। यहाँ अलग ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसे ऊर्जा के प्रवाह शहर में ऊर्जा के स्रोत पुंज आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद का जन्मदिवस यहाँ का जन जन मनाने का काम कर रहा है। कोई मंदिरों में पूजा करके, कोई यज्ञ करके, कोई हवन करके, कोई सेवा बस्ती में जाके, कोई मलिन बस्ती में जाके, कोई वृद्धा आश्रम में जाके, कोई गरीबों में, दलितों में, वंचितों के बीच में जन्मदिवस मनाने का काम कर रहे हैं, कोई समर्पण भाव से ब्लड डोनेशन करके मनाने का काम कर रहे हैं। ये 15 दिवसीय पखवाड़ा है। इसमें 15 दिन में 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उस 16 कार्यक्रम को का पखवाड़ा गांधी जयंती पर समापन होगा। देश का समग्र विकास जिनका सपना है, 130 करोड़ लोगों के विकास का सपना है कि बिना भेदभाव के, बिना जात मजहब के, बिना किसी पंथ मजहब के, किसी विभेद के, सबका विकास हो। ऐसे कृत संकल्प भारत के जो प्रधान सेवक हैं उनका जन्मदिवस यहाँ का जन जन मनाने का काम कर रहा है। हमारे आपने देखा कि अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आज 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक उनका जन्मदिन मनाया जाएगा और अलग अलग जगह पर, कोई मलिन बस्ती में मना रहा है तो कोई यहाँ पर मंदिरों में मना रहा है, कोई हर जगह लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग जो है कि काफ़ी उत्साह के साथ बनारस में मना रहे हैं। हम एक और आपको बता दें कि बनारस के अंदर आपको बता दें कि बनारस में एक और चीज़ देखने को मिल रही है, जो गंगा जमुना की तहजीब है वो हम आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग यहाँ पर हमारा
साथ मौजूद हैं। तो आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि देखिए ये गंगा और जमुना की तहजीब जो कहा जाता है उसको लेकर के देखिए यहाँ कुछ मुस्लिम लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं मौजूद, और मुस्लिम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी उनके अंदर भी उत्साह है। ये बनारस में गंगा जमुना की तहजीब को कायम रखे हुए हैं और लोगों ने ब्लड को डोनेट किया है। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफ्ताब आलम। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है, जहां लोग मंदिरों में हवन पूजन कर भगवान से प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस क्रम में रामचरण धर्मशाला में दिव्यांग कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हवन पूजन कर उनकी आयु बढ़ाने की प्रार्थनाएं की। वहीं आयोजकों का कहना है कि जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री भारत की आन बान शान बढ़ा रहे हैं, ये देश के लिए गौरव की बात है। उनके संरक्षण में यूं ही देश आगे बढ़ता रहेगा। उनकी आयु लगातार बढ़ती रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहें। पूरे देश में उत्साह की लहर है, हम लोग बहुत खुशी के साथ आज जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम लोगों ने मंदिर में हवन पूजन और किया, उनके दीर्घायु की कामना की। उनके नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर अंकित हुआ है। भारत का उन्होंने जिस तरीके से नाम किया है, हम लोग बहुत ही खुश हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में कुशलता के साथ चलता रहे। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा सेवा पखवाड़ा मनवा रही है। जिलाधिकारी और विधायक ने इस मौके पर ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। मोदी के 72वें जन्मोत्सव पर 100 से ज्यादा भाजपाइयों ने रक्तदान किया। भाजपाइयों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर रक्तदान कर उनके स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन के संयोजन में नगर के पंडित सभागार में भाजपा विधायक ने 17 से 23 सितंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आज के दिन से हम 2 अक्टूबर तक 16 दिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव विभिन्न तरह के कार्यक्रम, कहीं हम स्वच्छता अभियान करेंगे, कहीं हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, और आज के दिन हम रक्तदान कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। अलीगढ़ के सराय हकीम क्षेत्र के मोहल्ला लक्ष्मीपुरी में पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, जिसके चलते लक्ष्मीपुरी निवासियों ने सराय हकीम के मुख्य बाजार में जाम लगाकर नगर निगम और नगर आयुक्त के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं लक्ष्मीपुरी के निवासी ने मीडिया को बताया कि पिछले 5 दिनों से घरों में पानी नहीं आ रहा है। उससे पहले जब पानी आता था तो इतना दूषित पानी आता था जिसे पीना भी मुश्किल था। हुआ है कि कुछ दिनों से पहले से सराय हकीम क्षेत्र में जल निगम द्वारा सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कई जगह इन लाइनें क्षतिग्रस्त कर दी गई। अब हमारा नगर निगम जलकर विभाग इन लाइनों को खोद करके आज ही समस्या का समाधान कर दिया। जैसे एक हफ्ते से चल रहा है तो क्या कह जाएंगे उसके लिए? एक हफ्ते से चल रहा है तो मैं कई जगह मॉनिटरिंग करी है, 2-3 जगह हमने कनेक्शन ही बंद कराया है, 2-3-4 जगह हमने काम भी कराया है, लेकिन अब हमें लगभग पॉइंट मिल चुका है कि लगभग यहाँ की समस्या पैदा हो रही है, तो इसको आज ये भी कार्य करा दें। 6 दिन हो गए भैया, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। बताओ छोटे छोटे बच्चे, उन्हें लेकर के हम कहाँ जाएँ? कोई ये तो है नहीं है समर का पानी एक दिन दे देगा, कोई 2 दिन दे देगा, रोज थोड़ी दे देगा, और जिससे भी कहो वही उल्टा बोल रहा है। ये पानी के समाधान करें। एक हफ्ते से सराय की लक्ष्मीपुरी अन्य गलियों में पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। जब तक जो सुपर टेक वाले जो इंजीनियर हैं, स्मार्ट सिटी वाले जो काम करके गए हैं, ये सारी क्या नाम है नाली चौक कर गए हैं पानी की लाइन, उसकी वजह से जनता परेशान है, पानी के लिए मोहताज है। तो नगर निगम ये ध्यान नहीं दे रहा, कई बार नगर निगम से शिकायत भी करती, अधिकारियों और काम पर बिल्कुल जू नहीं रह रही। गाजियाबाद के दीनदयालपुरी में एक महिला की लाश घर में मिली। दिनदहाड़े इलाके में महिला की लाश मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। महिला यहां अकेली रहती थी। महिला की उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिए और लाश के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई, जिसके बाद महिला के सिर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 11 बजे थाना नंदग्राम को सूचना मिली
कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में दीनदयालपुरी नामक कॉलोनी में मकान नंबर 630 के पहले माले पर एक कमरे में एक महिला का मृत शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इसमें महिला का जो आईडी के द्वारा पहचान करी गई है वो आशा देवी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश के नाम से करी गई है, जो कि बुलंदशहर की निवासी हैं। इनकी उम्र लगभग 33 वर्ष है। इसमें तुरंत ही FSL और डॉग स्क्वाड को मौके बुला लिया गया है। इसमें पोस्टमार्टम करा के आगे आवश्यक कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कहा गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फीस वृद्धि के विरोध में बैठे छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब गरीब छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ऐसे करके छात्राओं को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। चार दिन पांच दिन बाद गिरफ्तार किए गए। शुरू में पुलिसिया कहानी कुछ और थी, बाद में इस सिलसिले में कल प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोदा जी एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गई थी लखीमपुर। पीड़ित परिवार से मिली, उसकी फोटो सब चल रही है, देखा और शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज PCC में करें तो वो ज्यादा। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां राजा करनाई गांव को अन्य गांव से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास से होकर जाता है। आपको बता दें कि बीते दो दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते इस अंडरपास में जलभराव हो गया, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं काफी दिन से फंसे ट्रक को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद प्रशासन से मांग की गई जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट में मंडलायुक्त की कवरेज करने गए पत्रकार पर एक वर्दीधारी ने हमला बोल दिया। पत्रकार पर हमले की जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई और जिले के दर्जनों पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इसके बाद सभी पत्रकार मंडलायुक्त की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए। कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर पत्रकारों के धरने की जानकारी मिलते ही आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिकारी बार बार पत्रकारों को समझाने लगे। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता समझी और पत्रकार की बात सुनी, साथ ही होमगार्ड पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए और इस पर कार्यवाही के लिए होमगार्ड कमांडेंट को भी पत्र लिखने की बात कही। वहीं मौके पर पहुंची होमगार्ड डिप्टी कमांडेंट ने कार्यवाही के आश्वासन दिए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद पत्रकारों ने अपना धरना खत्म कर दिया। हमारे साथी राजदेव शुक्ल के साथ पुलिस के वर्दीधारी व्यक्ति, चाहे वो होमगार्ड हो चाहे पुलिस हो, उसने अभद्रता की है। और ये आज की बात नहीं, कल से ये नाटक शुरू है। कल से गेट पे रोका जाना, चाहे कोई हमारा पत्रकार साथी आ रहा है उसके साथ टोका टाकी किया जाना, बैठाया गया। 4 घंटे तक वेट कराने के बाद भी हम लोग सहिष्णु रहे कि हम लोग कवरेज करने में अपने रहे। आज भी बेनू भाई ने हमारे कोई भी इस तरह की हरकत नहीं की जो किसी को नागवार गुजरे। फिर उसके बाद राजदेव भाई जब यहाँ पर कवरेज कर रहे थे, उनको जो है मारा जाना, उनके साथ मारपीट किया जाना, इसका बिल्कुल स्पष्ट सा मंतव्य है कि ये लोग मनबल हो गए हैं। इनको लगता है कि पत्रकार जब भी मिलेगा उसके साथ चाहे जो करेंगे कोई परिणाम नहीं आने वाला। कि कमिश्नर साहब का यहाँ कलेक्ट्रेट में दौरा था तो उसके समाचार संकलन के लिए मैं आया। मैंने कलेक्ट्रेट के बाहर, चूँकि DM साहब का गेट बंद था, तो अंदर आया। अंदर आते जो प्रवेश द्वार है वहाँ जो अथॉरिटी बैठी, मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूँ और वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने अनुमति दी कि आप कलेक्ट्रेट गेट DM साहब के कार्यालय के गेट के सामने से खड़े करके बाहर का फुटेज कर लीजिए, कमिश्नर साहब बाहर निकलेंगे तो अपने सवाल पूछ लीजिएगा। उसको पूछ करके मैं जैसे बाहर की तरफ पीछे की तरफ निकला SDM साहब के कोर्ट की तरफ, उधर एक मान्यवर खड़े थे, पता नहीं होमगार्ड थे सिपाही थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे, कैसे आप अंदर आए। तो मैंने कहा मैं जो सामने की अथॉरिटी है मैं उससे पूछ के आ रहा हूँ और मैं पत्रकार हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास आई कार्ड है, मैंने कहा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ये सामने का गाड़ी का, वैसे उन्होंने हमारी मोबाइल पर हाथ मार दिया। मैं कुछ समझ पाता, मैंने उठाया तब तक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और खींचते हुए ले गए। प्रयागराज में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा भक्ति भाव के साथ अलग अलग चौक चौराहे और निजी दुकानों में भव्य पंडाल बनाकर प्रतिमा स्थापित कर और भजन कीर्तन पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के साथ की गई। बता दें कि फूलपुर सांसद मेयर अभिलाषा गुप्ता साथ ही कई गणमान्य लोग पूजा में शामिल रहे।
विश्वकर्मा जी हमारे टेक्निकी गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में टेक्निक्स को जन्म दिया सभी क्षेत्रों में, चाहे वो बिल्डिंग लाइन हो, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो प्लम्बरिंग हो, जितनी भी तकनीकी क्षेत्र हैं उन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया और उस चीज़ को डेवलप किया। परमपिता भगवान विश्वकर्मा, सृष्टि की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको उन्होंने न रचा हो, पूरी सृष्टि की रचना ही उन्होंने किया है। भगवान आप देखते हैं, भगवान विश्वकर्मा जब भी कोई कार्य होता है भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया जाता है। द्वारिकापुरी ले लीजिए, लंकापुरी ले लीजिए, सुदामापुरी ले लीजिए, जितने देवताओं के अस्त्र शस्त्र हैं सारे भगवान विश्वकर्मा ने बनाए हैं। श्री विश्वकर्मा जी का ये बहुत महत्व है और आज भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन हम लोग मना रहे हैं। ये मथुरा के इलाके रदोई बुर्ज बीच रोड पर शव को रखकर परिजनों ने हंगामा काटा। आपको बता दें कि जिला अस्पताल पर न्याय की गुहार लगाई। खेत को लेकर दो पक्षों में कुछ विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी। वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं युवक के उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल के सामने रास्ता जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को समझा बुझा कर आक्रोश शांत किया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मेरे साथ दो महीने पहले घटना घटी थी। एक फौजी ने, मेरा चाचा का लड़का है हिरमुख सलम मथुरा सिंह, उसने मुझसे मारपीट की। दो महीने पहले मेरा हाथ काटा और मूड काटा, पैर तोड़ा और मेरी कमर काटी और साहब हम पे मुकदमा कर दिया पुलिस ने, और एक महीने के लिए उसमें 308 बना दी हमारे खिलाफ, झूठी और इसको जाए एक महीना। जो मेरा भाई है कृष्णवीर, जो आज उसे खत्म कर दिया इन लोगों ने, जो आज मृत घोषित है यहाँ पे। थाना बलदेव में एक रतोई ब्रज का गाँव है, वहाँ पे एक मारपीट की घटना हुई जिसमें एक कृष्णवीर हैं जो घायल हुए, उनको जिला अस्पताल लेके आ गया जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। झगड़े का कारण क्या माने जा रहा है सर? झगड़े में कोई पुराना विवाद चल रहा है, पारिवारिक विवाद है इनका, उसी में आज मारपीट हुई है। खबर सीतापुर से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने मिश्रिक तहसील जाकर आम जनता की समस्याओं की सुनवाई की। वहीं जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को तत्वरित एवं निष्पक्ष जांच के निर्देश जारी किए। बता दें कि जनपद में जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक को कुछ ही महीने हुए, पर सभी विभाग में कार्य सुचारू और व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। खबर संभल से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक किसान व भैंस करंट की चपेट में आने से मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के घर वालों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्यवाही में जुट गई है पुलिस। कानपुर में योगी जी से रेजिडेंस अपार्टमेंट निवासियों ने न्याय की गुहार लगाई है। रेजिडेंस अपार्टमेंट निवासियों ने योगी सरकार से केडीए रेजिडेंसी का अपार्टमेंट ध्वस्त कराने की मांग की है। आपको बता दें कि 267 फ्लैट स्वामियों ने पूरे केडीए रेजिडेंसी अपार्टमेंट में मालिकों ने बैनर लगा दिए हैं। केडीए द्वारा बनाए गए अपार्टमेंट को बनवाने में केडीए अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। अपार्टमेंट की बीक में सीलन और आ चुकी है, दीवारों में दरार आ गई है। शिकायत के लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी केडीए ने नहीं कोई कार्यवाही की। खबर फरीदाबाद से है, जहां अपराधियों की अवैध संपत्ति के खिलाफ हरियाणा सरकार बुलडोजर अभियान जारी है। इस क्रम में फरीदाबाद पुलिस ने तीसरे दिन भी अपराधियों की संपत्ति गिराने का अभियान जारी रखा। यहां कृष्णा कॉलोनी में नशा तस्कर माया नाम की महिला और उसके दो बेटों की अवैध संपत्ति पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने मिलकर तोड़फोड़ और कार्यवाही की। माया और उसके बेटों के खिलाफ NDPCS, एक्साइज, लड़ाई झगड़ा समेत कई धाराओं में 30 मामले दर्ज हैं। बता दें कि इससे पहले भी पुलिस कौशल गैंग के गुर्ग नीरज फरीदुपुरिया और उससे पहले मनोज मांगरिया गैंग के गुर्गे जावेद की भी अवैध संपत्ति पर तोड़फोड़ की कार्यवाही कर चुकी है। राज्य सरकार व हमारे CP साहब माननीय श्री विकास अरोड़ा जी के आदेशानुसार आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हुए उनको नष्ट करने की कार्रवाई करते में आगे बढ़ते हुए आज हमने यहाँ जो है एक माँ व उसके दो पुत्र जिनके खिलाफ करीब 30 मुकदमे, जिसमें NDPS, एक्साइज एक्ट, लड़ाई झगड़ा, गैम्बलिंग एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, उसकी उनकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हुए हुड्डा विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी को आज यहाँ नष्ट किया है।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस समारोह में ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने तिरंगा रैली निकाली, जिसके बाद गांधी प्रेक्षागृह में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई पदाधिकारियों की पदोन्नति करते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें कि ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव को संगठन के मुखिया ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर कई जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री आदि कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन पिछले वर्ष 2001 से पत्रकार साथियों के हित के लिए संघर्षरत है। उस क्रम में वर्ष 2008 में सबसे पहले मुझे मेरी सक्रियता को और मेरी निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए संगठन ने शाहजहांपुर का जिला प्रभारी नियुक्त किया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं।